2047 तक विकसित राष्ट्र का लक्ष्य लेकर चल रहा भारत बड़े बदलावों से गुजर रहा है। आज हमारे सामने दो गंभीर चुनौतियां हैं, अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी। देश की आबादी का आधा हिस्सा शहरों की ओर कूच कर रहा है। गांव से शहर की ओर पलायन के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या से जुड़ी स्थिति ऐसी है जो देश के विकास में लाभकारी न होकर बाधा बन रही है। ऐसे में काम करने लायक युवाओं की भारी तादाद को देखते हुए जल्द से जल्द पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। हमारे शहरी क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी के हालात झेल रहे हैं। बढ़ता वर्कर टू पॉपुलेशन अनुपात नौकरी के अवसरों को और कम कर रहा है। अनुमानों के मुताबिक सदी के मध्य तक 80 करोड़ से अधिक भारतीय शहरों में बस जाएंगे, जो कुल आबादी के आधे से ज्यादा है। जनसंख्या को लेकर संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट 63% भारतीयों की आर्थिक चिंता को बयां करती है। भारत बेशक चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, फिर भी हमारी बेरोजगारी दर 8% के आसपास है। शहरों का रुख करते युवाओं की भीड़ में राहत की बात यह है कि नीति आयोग ने देश की गरीबी में उल्लेखनीय कमी की रिपोर्ट दी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है। एक तरह से जो गांव से लोग जा रहे हैं उनमें वो कौशल, वो स्किल्स नहीं होती है कि वो नौकरियां जो संगठित क्षेत्र है उसमें प्राप्त कर सकें, तो वो एक स्किल गैप है और इस वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सारे जो है आबादी, बढ़ती आबादी को प्रभावित करते हैं और एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। गरीबी अधिक जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी यानी अपर्याप्त शैक्षिक संसाधन, नतीजा अभावों के बीच पलती बढ़ती अस्वस्थ आबादी, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे में तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं।